हेलो डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सिक्स्थ पार्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। हमने अभी तक इस टॉपिक के पांच पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, अब हम सिक्स्थ पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं यहाँ पर आपको मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाने वाला हूँ और एक एचएफ का मॉलिक्यूल डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर समझेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ एचएफ मॉलिक्यूल, हेटरोडाइमर मॉलिक्यूल के लिए। लास्ट में भी जब हमने एमओटी पढ़ा था तो एमओटी की डेफिनेशन, साइंटिस्ट के नेम उनसोल मुलिकन, और मैंने आपको ये बताया था कि हम होमोडाइमर मॉलिक्यूल के लिए कैसे बना सकते हैं और हेटरोडाइमर मॉलिक्यूल के लिए CO, CN इन सब पे बात करी थी, CO पॉजिटिव वगैरह सब किताब बना सकते थे। अब हेटरोडाइमर मॉलिक्यूल HF का भी समझने वाले हैं, उससे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। पहले हम ये देखते हैं, अभी तक हमने जितना सीखा था तो उसके बेसिस पर मैंने आपको ये बोला था कि MOT का एक एप्लीकेशन ये भी है कि हम किसी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अभी तक हमने ऑपबाउ के अकॉर्डिंग सिर्फ एटमिक ऑर्बिटल, एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखा था लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल पर, आपको एनर्जी लेवल पता होना चाहिए था। बट अब हम यहाँ पर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं, तो मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं अब हम समझते हैं। हमने लास्ट टाइम जब एमओ डायग्राम बनाया था तो आपने ध्यान दिया होगा कि हमने दो पैरेलल लाइन खींची थी, 1s वाले सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर 2s वाले सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर p वाले ऑर्बिटल बनाए थे। आपने देखा होगा N2 के लिए हमने दो ऑर्बिटल नीचे बनाए थे और एक ऊपर, फिर दो ऊपर और फिर एक और उससे भी ऊपर बनाया था। सिमिलरली जब हमने ऑप्शन 16 इलेक्ट्रॉन वाले की बात करी थी तो जब आपके तो हमने ध्यान दिया होगा तो एक ऑर्बिटल नीचे बनता है और दो ऑर्बिटल ऊपर बनते हैं, तो उसी के बेसिस पर यहाँ पर एनर्जी का थोड़ा सा डिफरेंस आता है, बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से होता है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल 14 इलेक्ट्रॉन और लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन, जैसे N2 के पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 14 से कम वाले, H2, Li2, Be2, B2, C2, N2, इस तरीके के मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो हम सबसे कम एनर्जी जब हमारी आती है तो सिग्मा 1s की आती है, फिर सिग्मा स्टार 1s उससे ज़्यादा एनर्जी का, सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर दो ऑर्बिटल एक साथ नीचे आते हैं, pi2px = pi2py = ये बताते हैं कि दोनों की एनर्जी सेम है, और आपके पास फिर सिग्मा 2pz, फिर pi star 2px pi star 2py, सिग्मा स्टार 2pz। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें N2 के लिए देखना हो तो आपको पता है एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम x की एक ऑर्बिटल होती है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, p की 3 ऑर्बिटल होती है, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उस हिसाब से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 14 भर में हमने 2, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। ये वाले ऊपर वाले एनर्जी लेवल वाले खाली रहते हैं। बॉन्डिंग अगर देखें तो बिना तारे वाले, बिना सिग्मा स्टार वाले जो है वो बॉन्डिंग है, और जो स्टार वाले में है वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्डिंग में 2, 4, 6, 8, 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2, 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, तो सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस हिसाब से हम यहाँ से भी बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं बिना डायग्राम बनाए। तो ये इसका एप्लीकेशन है कि हम किसी मॉलिक्यूल का भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है, जैसे ऑक्सीजन वगैरह की बात करें तो सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार पहले सिग्मा 1 है आता है, फिर सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, फिर उससे ज्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 2s की होती है, फिर सिग्मा 2pz, फिर दो ऑर्बिटल ऊपर बनते हैं, फिर उनसे ज्यादा ऊपर पाई स्टार 2px = pi star 2py, और सबसे हाई एनर्जी लेवल पर सिग्मा स्टार 2pz। जैसे 16 ऑक्सीजन का करना है तो 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 सिंगल पढ़ते हैं। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये दो ऑर्बिटल है कुछ इस तरीके से, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पैरामैग्नेटिक नेचर भी बता सकते हैं। बाकी अगर हम इसी के बेसिस पर भी बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो बिना तारे वाले जो है बॉन्डिंग है, और जो स्टार लगे हैं एस्ट्रिक वाले हैं वो एंटी बॉन्डिंग है। 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, तो बॉन्डिंग में है 12 और यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में 2 और 2, 4, तो 4/2 करेंगे तो ये आएगा आपके पास 8/2, जो कि आ जाएगा तुम्हारे आपके पास, तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया आई थिंक, हाँ 2 बॉन्डिंग के 2, 4, 6, 8, 10 ये एंटी बॉन्डिंग के, 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग के देखेंगे तो 2 और 2, 4, 5, 6, तो 10 - 6, 4/2, 4/2, 2 ऑक्सीजन के भी डबल बॉन्ड होता है। तो ये हमने कल भी बताया था और आज आपने सीखा कि मॉलिक्यूल का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, 1s 1s star 2s 2s star, pi2px = pi2py, sigma 2pz, pi star 2px = pi star 2py, sigma star 2pz, 14 या 14 से कम वालों के लिए, और 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यहाँ पर चेंज आ जाता है, किस एनर्जी लेवल पर चेंज आ जाता है, बस
यहाँ पे इतना डिफरेंस आ जाता है कि ये वाला एनर्जी लेवल में ये वाला कम हो जाता है और ये वाला ज्यादा हो जाता है, इतना ही फर्क पड़ता है यहाँ पे। होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम HF का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना सीखते हैं। HF को अगर मैं खोल के दिखाऊं आपको तो F का होता है 9 1s2 2s2 2p5, आप सबको पता है ये वैलेंस के 2s और 2p ऑर्बिटल है 4 5। तो आपके पास H का ऑर्बिटल रहा होगा, H का 1s वाला ऑर्बिटल रहा होगा 1s1, इसके इससे शेयरिंग करी होगी और एक सिग्मा बॉन्ड बनाया होगा। फिलहाल अभी हम यहां देखते हैं कि मैंने कल आपको बताया था कि जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं उनके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की जो एनर्जी लेवल होता है वो कम होता है। तो ये एनर्जी कम और 1s हाइड्रोजन के 1s से इसकी इस फ्लोरीन पे 2p वाले की एनर्जी भी कम ही होती है। 1s का ये है, ये 2s है क्योंकि ये इससे इंटरेक्ट ही नहीं करता, सिर्फ इसका pz ऑर्बिटल जो होता है वही 1s वाले से ऑर्बिटल इंटरेक्ट करता है और बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनाता है, बाकी वाले पार्टिसिपेट नहीं करते, सब नॉन बॉन्डिंग होते हैं। तो 1s वाला तो इसकी एनर्जी इसी से किसी से इंटरेक्ट नहीं किया, इसका एनर्जी लेवल यहीं पे रहने वाला है। 2s ये भी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, नॉन बॉन्डिंग लोन पे रहे इसका मतलब। और इसके एक इसके पास 1s1 होता है, 2p में 5 है, 1 2 3 4 5, तो इसका 2p इसके ये वाले इंटरेक्ट करेंगे pz और ये 1s वाला, तो इसने और इससे इंटरेक्ट करके सिग्मा बॉन्डिंग वाला बनाया और एक बनाएगा एंटी बॉन्डिंग। 1 2 3 4 4 ऑर्बिटल है तो नए भी चार बनेंगे, 1 2 3 4, इसने इससे इंटरेक्ट किया तो बॉन्डिंग और इसका एंटी बॉन्डिंग वाला ये हो गया, बाकी इन्होंने कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया, तो इन्हें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं या नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहते हैं। और नॉन बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो तो दिख रहे होंगे आपको। अब 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इस हिसाब से भर लेते हैं। तो अगर हम इसके बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो बॉन्डिंग में है कितने, 2, एंटी बॉन्डिंग में है 0 अपॉन 2 2 माइनस ये 1, तो एच और एफ के बीच सिंगल बॉन्ड बना है, तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी अगर आप ध्यान से देखो तो इसके पास 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर और आपके पास 3 लोन पेयर और ये वाला 4 लोन पेयर शो कर रहा है। पर अगर हम बात करें तो H का 1 इलेक्ट्रॉन और F का शेयरिंग करिए 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके पास यहाँ पर जो एक्स्ट्रा ये 3 लोन पेयर हैं जबकि यहाँ 4 दिख रहे हैं। एक्चुअली ये वाला तो बैलेंस का नहीं है, तो हम सिर्फ 2s और 2p वालों को ही देखेंगे, तो इसके बैलेंस में 6 मतलब इसके बैलेंस में 6 लोन पेयर भी होते हैं जबकि पास, तो ये लोन पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला लोन पेयर को, सॉरी ये तो बॉन्डिंग का ये लोन पेयर और ये वाला, ये तो बस इसको काउंटिंग में होगा। तो इस तरीके से HF का भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना आपने सीखा है, होप आपको ये बात समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में भी यहीं आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।